हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा फ्लावर खिला हुआ है। ये कॉसमॉस का फ्लावर है और बहुत सारे फ्लावर खिले हुए हैं इस समय कॉसमॉस में। तो बहुत से व्यूअर मुझसे बोल रहे थे कि मैं अपना ओवरव्यू दूं अपने टेरेस गार्डन का। तो अभी ज़्यादा फ्लावर नहीं खिले हुए हैं, पर जितने भी खिले हैं तो थोड़ा सा मैं आपको एक लिटिल ओवरव्यू अपने गार्डन का दे देती हूँ। जितने भी फ्लावर खिल रहे हैं मेरे टेरेस पे, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे से ये कॉसमॉस खिले हुए हैं। और ये भी बहुत मल्टी शेड के आते हैं, तो अभी तो ये पर्पल शेड ही है मेरे पास। इसमें रेड और वाइट भी आता है और एक वैरायटी इसकी येलो और ऑरेंज में आती है, वो तो कॉमन ही है, तो उसको भी मैं दिखा देती हूँ। लेकिन बहुत ही प्यारे लिख रहे हैं और बहुत ही अच्छे से खिले हुए हैं। ये मैं सैपलिंग लेके आई थी, तो वही मैंने ग्रो की हुई है, तो इसमें बहुत अच्छे से ब्लूमिंग में है ये कॉसमॉस। और ये येलो और ऑरेंज शेड के कॉसमॉस हैं, ये भी बहुत अच्छे से मेरा पॉट भरा हुआ है फ्लावरों से, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, बिल्कुल फ्लावरों से भरा हुआ है। तो ये कॉमन वेराइटी है, ये समर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती है, विंटर में भी इसकी फ्लावरिंग अच्छे से होती है, तो आप दोनों में इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने रेलिंग पॉट खरीदे थे तो उनमें भी मैंने प्लांट लगा दिए हैं, तो इसमें नॉस्टिशियम बहुत ही अच्छे से खिला हुआ आप देख सकते हैं। और इधर मैंने मैरीगोल्ड लगा रखा है, पीछे भी नॉस्टिशियम लगा रखा है, और ये मैंने स्वीट विलियम लगा रखा है एक DIY पॉट में। तो ये ऐसे लगा लूँ तो फ्लावरिंग इस समय चल रही है, बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग लग रही है मेरे नॉस्टिशियम में। और इस साइड पे मैंने मैरीगोल्ड को अरेंज किए हुए हैं पॉट, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे से फ्लावर खिले हुए हैं मैरीगोल्ड में भी। और इस पॉट बड़े पॉट में मैंने मिक्स प्लांट लगाए हैं, तो सबसे ऊपर मैंने पहले हॉली हॉक को लगाया है पीछे की साइड में, क्योंकि ये बड़ी से हो जाते हैं, इनकी हाइट काफ़ी बड़ी होती है। उसमें मैंने फिलॉक्स भी ऐड किया हुआ है, ऑर्नामेंटल पॉपी भी लगा रखी है और कैलेंडुला भी लगा रखी है। देखिए फिलॉक्स के वाइट फ्लावर खिलने लगे हैं, तो इस तरह से ये एक लुक दिया है मैंने, अरेंज किया है इस बड़े पॉट के साथ छोटे पॉट मिक्स किए हैं। फिर से मेरी गोल्ड के फ्लावर आ गए, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से खिले हुए हैं। इसके अंदर दो वैरायटी लगी हुई है, एक हज़ारी लगी हुई है और एक 5 पेटल्स वाली लगी हुई है। और इधर मैंने डायंथस को अरेंज किया हुआ है, तो दो डायंथस मैंने इस साल खरीदी हैं जो पीछे आप देख सकते हैं लगे हुए हैं पॉट में। और ये मेरे पुराने डायंथस हैं जिनको मैंने फिर से कटिंग से ग्रो किया हुआ है। और इधर कॉसमॉस में फ्लावरिंग चल रही है, तो पीछे की साइड मैंने सारे परमानेंट प्लांट लगा रखे हैं। तो ये इधर हिबिस्कस भी खूब अच्छे से खिले हुए हैं और साथ में ये कॉसमॉस फिर से आ गए, क्योंकि मैंने बड़ी बास्केट में ये कॉसमॉस लगाए हुए थे। तो इनमें भी देखिए बहुत प्यारी सी फ्लावरिंग इसमें चल रही है। और नीचे मैंने ऑस्टर लगाया हुआ है, तो सब में कलियाँ आ गई हैं आप देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी मैंने ऑस्टर के प्लांट लगाए सब में अच्छे से फ्लावर बड हैं, बस फ्लावर खिलने की देरी है। और पीछे मैंने पिटूनिया को लगा दिया है, तो अभी पिटूनिया में कोई फ्लावरिंग नहीं आ रही, अभी तो ये सिर्फ बढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे शेप देनी है इनको अच्छे से। और आगे मैंने कैलेंडुला के फ्लावर रख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से लुक आ रहा है पूरे गार्डन का। तो अभी बस ऐसे ही अरेंज कर दिया है। और इधर रोज़ खिल रहे हैं बहुत ही प्यारे से, तो बिल्कुल फ्लावर की वजह से ढक चुके हैं ये रोज़, मतलब इतना ज़्यादा फ्लावर खिला है बड़ा सा, जिसमें से ये रोज़ बिल्कुल झुके हुए हैं। तो विंटर बहुत ही अच्छा रहता है रोज़ के लिए। और ये दूसरा प्लांट आ गया रोज़ का, आप देख सकते हैं कितने फ्लावर इसमें कलियाँ हैं, इसके अंदर फ्लावर बड्स हैं अच्छे से। और ये फ्लावर इसमें अभी खिल रहा है, तो और खिलेगा अभी। तो ये मिनिएचर रोज़ है मेरा, और ये भी मिनिएचर रोज़ की वैरायटी है। तो देख सकते हैं कितने फ्लावर बड्स में अच्छे से आई हुई हैं, तो बहुत ही हेल्दी हैं इस समय सारे प्लांट। और इधर भी शायद एक खिलने वाला है, एक इधर फ्लावर बड और एक वो खिलने वाला है। और पीछे के साइड ये वाइट रोज़ खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, ढेर सारी फ्लावर बड्स हैं आप देख सकते हैं इसके अंदर, और बहुत सारी फ्लावरिंग इसमें ओवर भी हो चुकी है। तो
तो बहुत सारा एकदम फूल खिलेंगे इसमें ढेर सारे। और रोज का एक और फोर्थ पॉट जिसमें बहुत ही प्यारा सा फ्लावर खिला है आप देख सकते हैं, और इसने 12 बर्ड्स दिए हैं इस पॉट के अंदर, तो खूब सारी बर्ड्स हैं इसके अंदर, मैं आपको शो करती हूँ। तो टोटल 12 बर्ड्स हैं मैंने अभी गिनी है इसके अंदर। तो इससे मैं रोज़ बहुत ही अच्छे से खिलता है, और इस एरिया में भी मैंने पॉट रख रखे हैं। तो आइए दिखाते हैं मैंने कौन कौन से इसमें फ्लावर खिलने हैं। तो ये मैंने साल्विया लगा रखी है, तो साल्विया के भी फ्लावर खिलने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं। और अभी पॉट में कुछ कलियां आई हैं, पूरे तौर से फ्लावर नहीं खिले हैं। पीछे मैंने ये मकरीटा लगा रखा है, तो इनमें भी फ्लावर बड्स बहुत ही अच्छे से आ गए हैं, और कल तक शायद ये फ्लावर खिल भी जाए। और ये आ गई बहुत ही प्यारी सी ऑर्नामेंटल पॉपी, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है इसका। इसका एक शेड और है येलो शेड का, तो अभी उसमें कलियां आई नहीं है, अभी तो बहुत ही छोटे से प्लांट हैं वो। तो ये भी बहुत ही प्यारा, बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है, और अभी भी ढेर सारी बर्ड्स हैं खिलने को रेडी हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही है पॉपी। तो इसने ये फ्लावर देना ख़त्म कर दिया है, अभी इसका एक लास्ट फ्लावर बचा है, तो अभी ये और देगा, मैंने कटिंग कर दी है। एक मैंने ये बकेट तैयार करी, इसमें मैंने मिक्स प्लांट लगाए हुए हैं, तो मैंने इसमें 3 प्लांट यूज़ किए हैं। एक तो मैंने ये कोरियोफिस यूज़ किया हुआ है, तो पूरे कोरियोफिस की बाउंड्री बना दी है। साइड में मैंने लूपिन लगा रखे हैं, तो आगे से ये लूपिन के फ्लावर खिलेंगे इसके अंदर। और ये मैंने बीच में ऑस्टर लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं सब में कलियाँ भरी हुई हैं, और ये खिलने वाला है, ये वाइट रंग का ऑस्टर खिलेगा। तो खूब अच्छे से फ्लावरिंग आई है, मतलब का बर्ड्स आ गई हैं, बट फ्लावर खिलने में अभी थोड़ा टाइम है। तो इस तरह से मैंने इस पॉट को अरेंज किया हुआ है। तो आज इस बार मैंने कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन किया है, तो लूपिन को मैंने इस तरह से अरेंज किया है। और ये गजेनिया है, इस मैंने लगा रखे हैं, इसमें 3-4 प्लांट लगा रखे हैं, और अभी एक बर्ड आई है, तो अभी सिर्फ खिलने की देरी है। और ये मेरा क्रिसेंथम का जोन है, मैंने सारे पॉट क्रिसेंथम के इधर रख दिए हैं, तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग इस समय चल रही है क्रिसेंथम में। तो सारे पॉट अच्छे से खिल चुके हैं, तो इन्हें कम धूप में रखना होता, तो इस एरिया में मेरे ना धूप थोड़ी सी कम आती है, हल्की धूप रहती है इधर। तो ये पिंक का पूरा पॉट आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्यारे से फ्लावरों से भरा हुआ है। ये शावर वैरायटी आ गई, और ये येलो शेड की वैरायटी है, और ये पम्पम आप देख सकते हैं, पूरे गोल गोल से फ्लावर होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं ये। फिर से एक शावर का पॉट आ गया, आप देख सकते हैं, और इधर रेड शेड की वैरायटी लगी हुई है, और ये पिंक, फिर से पम्पम आ गई, और एक नीचे और लगे हैं रेड, ये तो बच गए थे कुछ प्लांट, तो मैंने एक पॉट में लगा दिए हैं इनको। इस साइड भी पेंजी के प्लांट लगाए हैं मैंने, तो पेंजी में भी फ्लावर आ गया है, अभी खिलना बाकी है। और ये पम्पम रखी हुई है, और पीछे सूरजमुखी के प्लांट मैंने लगाए हैं, ये अपने आप ही खिलाते, मैंने लगाए नहीं थे, तो मैंने इन्हें एक पॉट दे दिया अच्छे से। और ये गैम्फ्रेना, इसकी भी फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है इस समय। और छोटे पॉट में मैंने पेंजी लगा रखी है, तो इसमें भी फ्लावर आ गया है, तो लिटिल पेंजी है ये, छोटा फ्लावर आता है इसमें। और कुछ मैंने ये स्वीट विलियम लगा रखी है, अभी फिर से ऑस्टर आ गए, ये देख सकते हैं सब में फ्लावर बट अच्छे से भरी है, लेकिन अभी कलियाँ खिलने वाली हैं। तो इस बड़े पॉट में भी मैंने मिक्स करके प्लांट लगाए, चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन कौन से इसके अंदर लगाए। तो ये आप देख सकते हैं कॉर्न फ्लावर का प्लांट है, इसके भी बहुत ही प्यारे फ्लावर आते हैं, ये पिंक शेड का है, इसमें एक और शेड लगाया है, तो ये मालूम नहीं अभी इसमें सिर्फ बर्ड आई हुई है। फ्लॉक्स देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा शेड है इसके अंदर, तो मैंने इसमें फ्लॉक्स लगा रखा है। ऑस्टर में अभी सारी बर्ड्स आई हुई हैं, पर अभी कोई फ्लावर नहीं खिला हुआ है। और ये मजेंटा शेड का फ्लावर आ गया फ्लॉक्स में, लूपिन भी मैंने इसमें लगा रखा है, साल्विया का भी आप फ्लावर देख सकते हैं, और DI बॉटल में भी मैंने सीजनल प्लांट लगा दिए हैं। तो ये मैंने इसमें कोरियोफिस लगा रखा है 2 में, और एक में मैंने बर्बीना लगाया हुआ है, तो उसमें भी कलियां आई हैं, अभी खिलने वाला है फ्लावर इसके अंदर भी। तब भी मैंने इसके अंदर कैलेंडुला लगा दिया है, तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो लास्ट का व्यू देती हुई अपने गार्डन का, थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।